विंध्य से मेरा कई पीढ़ियों से लगा प्रियंका गांधी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनका विंध्य क्षेत्र से कई पीढ़ियों से लगाव रहा है। विंध्य की वादियों को नेहरू जी पसंद किया करते थे, चचाई फाल से उनका आत्मिक लगाव था। मेरे पिता स्वर्गीय राजीव गांधी भी शहीद होने के कुछ दिनों पहले ही रीवा आए हुए थे और उनसे जुड़ी कई स्मृतियां लोगों के पास मौजूद हैं, इसलिए मेरा रीवा से विशेष लगाव है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। पिछली बार भी आपने कांग्रेस को जन समर्थन दिया था और पहली कैबिनेट में ही किसानों के ऋण माफ किए गए थे। सभी वचन पूरे किए जाते लेकिन बीच में कुछ लोगों ने धोखा दिया और सरकार को गिराया। अब एक बार फिर वक्त आ गया है, यहाँ पर कांग्रेस ने जो वचन दिए हैं वह पूरे होने की गारंटी मेरी है। मैं यह भी कहती हूँ कि यदि सरकार आने के बाद उन वचनों को पूरा नहीं किया गया तो अगली बार आप सरकार को हटा देना। उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की महिलाएं बेहद खुश नजर आती हैं। लाली बहन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जब सरकार बनी तो सबसे पहले कैबिनेट में महिलाओं के लिए काम किया गया और मामा ने उसकी नकल करके चुनाव के 2 महीने पहले अपने को महिलाओं का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताया। अगर करना ही था तो सरकार बनने के साथ ही कर देना था, इतना इंतजार करने की जरूरत क्या थी। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि आप सब जागरूक हैं, समझते हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है उनके भ्रष्टाचार को समझिए। उनकी सरकार में बेरोजगार युवा किसान सब परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को मतदान करने अवश्य जाएं और मेरी अपील है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाए। जो वचन और जो गारंटी हम दे रहे हैं वह हम पूरी करेंगे। इस दौरान मौजूद भीड़ ने प्रियंका गांधी की बातों का समर्थन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किया। सेमरिया में हर बूथ पर जीतेगी कांग्रेस। अभय मिश्रा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रीवा दौरे के अवसर पर सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अभय मिश्रा ने विशाल समुदाय के बीच कहा कि मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार आ रही है वहीं दूसरी ओर आगामी 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के दौरान हमारी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और 60% से ज्यादा बूथ में 70% तक मतदान कांग्रेस के पक्ष में जनता करने जा रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि भय आतंक भ्रष्टाचार से जूझ रही सेमरिया क्षेत्र की जनता ने परिवर्तन का जो ऐतिहासिक संकल्प लिया है उसका परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार की तो यहाँ पर हद ही हो गई है, काम 1 रुपए का नहीं हुआ, केवल भूमि पूजन करते हैं भाजपा के लोग और फिर बाद में बताते हैं कि हमने 1600 करोड़ का काम करा दिया है। जनता अभी से जवाब देने लगी है, जब काम नहीं तो वोट नहीं। तो नाराज होकर विधायक जी सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में लोगों से उल जुलूल बात करते हैं। इन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में लोग प्रियंका जी की बातें सुनने के लिए आए हैं, साथ ही उन्हें यह संकल्प भी लेकर जाना होगा कि इस बार पूरे जिले में 50% कमीशन के चक्कर में भ्रष्टाचार करने वाली भाजपा सरकार को जड़मूल समेत खत्म करना है। कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व विधायक, वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारी गलती ये हो गई कि हम 3 बार से लगातार अपना ही वोट पाल दे रहे हैं। वोट का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का 35 से ज्यादा नहीं है, किसी विधानसभा 35 होगा 40 होगा, लेकिन हम जो भाजपा के विपक्ष का वोट है वो कांग्रेस और बहुजन या अन्य दलों में बढ़ जाता है और ये गलती बार बार होती है। हमारे समर्थन में आप देखिए, पहली बार जब मैं जीता 5000 और समथिंग वोट से, तो इसलिए जीता क्योंकि कांग्रेस और बहुजन में वोट बढ़ गया। दूसरी बार जब नीलम मिश्रा जीती तब भी यही हो गया। तीसरी बार जब अभी ये वर्तमान विधायक जीते तब भी यही हो गया। अब चौथी बार फिर यही होगा और बाद में आप ही रोते हैं कि अरे गलती हो गई, अगर ये न किए होते तो कांग्रेस जीत जाती तो कम से कम ये लूटपाट गुंडागर्दी दबाव आतंक की राजनीति से मुक्ति होती। सेवरिया में मैं आश्वस्त हूं, सेवरिया में मुझे भरोसा है, सेवरिया में मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं
वहां तीन चुनाव लड़ चुका हूं। जब चुनाव लड़ा करता था तो भीड़ गांव में जब दौरा करने जाता था तो 20-25 लोग मिलते थे, वो भी पहले से व्यवस्था जमा नहीं था। आज से 10 दिन पहले की बात बता रहा हूं, शाम को 7 बजे का प्रोग्राम है, रात को 1:30 बजे पहुंच रहा हूं और 1:30 बजे एक एक गांव में कहीं 150 आदमी के, 300 आदमी के, 350 आदमी टुकड़े टुकड़े, और उनसे पूछो उन्हें बताओ कि हम विकास करना चाहते हैं। ये खाना कहते कुछ न चाहिए पार नहीं पास हटा जी की दो चार मैं तो चीट पाओ लड़के। उनके भ्रष्टाचार को समझिए, उनकी सरकार में बेरोजगार युवा किसान सब परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।